हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू के इंस्टेंट चिप्स बनाना बताऊंगी। ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, ना सुखाने का झंझट ना उबालने का झंझट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आलू के चिप्स बनाना। सबसे पहले 4 आलू ले लेंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको काटने के बाद नहीं धुलना है, पहले ही धुलना है। इसको छील लेंगे 4 आलू। देखिए मैं छील ले रही हूँ। मेरे छीलने के तरीके पे मत जाइएगा, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, इस वजह से मैं इस तरीके से आलू छीलती हूँ। अच्छे से छील लीजिए। इसी तरीके के बाकी आलू भी छील लेने। देखिए मैंने 4 आलू छील लिए हैं। अब एक कद्दूकस की सहायता से इसके स्लाइस कर लेने हैं। देखिए मैं कर ले रही हूँ। ये देखिए ऐसे स्लाइस होंगे। इसी तरीके से मैं बाकी सारे आलू के स्लाइस कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे आलू के स्लाइसेस कर लिए हैं। अभी आपको इसमें थोड़े से आलू में पानी पानी गीले गीले से आलू दिख रहे हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक कपड़ा या फिर ऐसे टॉवल ले लीजिए। उसके बाद एक एक चिप्स करके इसको अच्छे से सुखा लीजिए। बस इसके पानी हटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे मैं इसको कर रही हूँ वैसे ही कर लेना है। इसी तरीके से मैं सारे चिप्स कर लूँगी। चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तेल मैंने रख दिया था गर्म होने को। अब आप एक एक चिप्स डालिए। ये देखिए चिप्स डालने के बाद पहले काफ़ी बबल्स आएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिप्स को फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तो चिप्स आपके जल जाएंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन या आपको जिस कलर में हल्का क्रिस्पी पसंद हो आप उस तरह फ्राई कर सकते हैं। देखिए फ्राई हो रहे हैं चिप्स। धीरे धीरे इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए फ्राई हो रहे हैं मेरे चिप्स। जब फ्राई होने लगेंगे तो लास्ट में ये बबल्स भी कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में काफ़ी बबल्स आने लगते हैं। पहला बैच मेरा फ्राई हो गया, अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे चिप्स फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरे सेकंड बैच फ्राई हो रहा है। सेकेंड बैच भी मेरा फ्राई हो गया है। ये देखिए सारे चिप्स फ्राई हो गए हैं मेरे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर,
टेबल सॉल्ट यानी सादा नमक, ब्लैक सॉल्ट काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, इन सब को डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लीजिए, सारे मसालों का फ्लेवर चिप्स में आ जाए। ये देखिए हमारे चिप्स बनके तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की, इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। इंस्टेंट चिप्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।